चलिए आज हम बताते हैं आपको ये एक मेट्रो पलंग आप जो हम फोटो दिखाएंगे आपको किस तरह आप बनाएंगे कैसे बनाएंगे। तो चलिए इस पर हम बात करेंगे, इसमें कितना आपका लकड़ी क्या लगेगा नहीं लगेगा सारा कुछ आप एक सिंपल सा ट्रिक भी बताएंगे कि आप लकड़ी इसमें अनुभव कैसे कर सकते हैं कि हम किस हिसाब से इसको बता सकते हैं। ऐसे मान लीजिए किसी को तुरंत बताना है तो कैसे आप बता पाएंगे इसमें कितना लकड़ी लगेगा और क्या लगेगा ये सारा कुछ चलिए आज हम बताएंगे आपको। इस वीडियो में बने रहिए, इसमें हम सारा कुछ आपको समझाएंगे, देखते हैं कितना तक समझा पाते हैं। अगर नहीं समझा पाए तो फिर अगला वीडियो हम समझाएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस मेट्रो पलंग के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रो पलंग, लेकिन आपके तरफ क्या बोलते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हम इधर बोलते हैं कि इसको मेट्रो पलंग के नाम से जानते हैं। सिंपल पलंग भी बोल सकते हैं, मेट्रो पलंग भी बोल सकते हैं। आप किसी तरह मतलब होता है कि बॉक्स बेड बोलते हैं, मतलब अनेकों हर तरह का है इसमें, लेकिन आप देख लीजिए अगर सेम डिजाइन लेता है तो ठीक है, किसी तरह लकड़ी जो है थोड़ा ज़्यादा आएगा इसमें, बजट खर्चा आएगा ज़्यादा, तो वो आप देख लीजिएगा उस हिसाब से आपको ये चीज़। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं और देखिए इस पलंग को यहाँ जो हम दिखा रहे हैं, देखिए इसको आप किस तरह से बनाएंगे, चलिए आज इसमें हम बात करेंगे और इसमें डिस्कस। ये देखिए ये पलंग जो है ये आप चौड़ाई आप इनका 5 फीट ही बनाएंगे, 5 फीट से ज़्यादा आप नहीं बनाएंगे इसको, 5 फीट ही रखेंगे। इसका जो चौड़ाई होगा वो 5 फीट से ज़्यादा आप नहीं देंगे, 5 फीट मिनिमम रखिए, बढ़ा भी सकते हैं लेकिन इनका प्रॉपर साइज 5 फीट ही रखिए तो देखने में अच्छा लगेगा। और इनका आप जानते हैं कि 7 फीट तक आप दे सकते हैं, 7 फीट में 1 या 2 इंच आप कम रखिए, इनके आप 7 फीट में ना कम रखिए कि मतलब अगर पड़ेगा आप सीट लगाते हैं तो कोड पड़ेगा अगर ख़राब हो तो आप उसको कटर मशीन से काट के उस पर लगा सकें। तो देखिए इसमें क्या है कि इस देखिए सिर्फ सैंपल एक डिजाइन बना हुआ है उसी में ये पैनल लगा के फंसाया गया है। तो आप देखिए अभी हम मान के चलते हैं, ये देखिए पलंग हुआ, आप इस तरह आप बना सकते हैं, नहीं तो आप कहीं पर ये कार्बिन वगैरह आप छान भी सकते हैं अपने हिसाब से, आप बना कैसे जानेंगे और क्या जानेंगे इसको, आप कैसे जानेंगे और क्या बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। ये देखिए ये जो पलंग है ये देखिए आप देखते हैं कि सैंपल, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है। तो कैसे लगेगा टाइम चलिए इसमें हम बताते हैं, और कैसे कम टाइम लगेंगे चलिए ये भी हम आज बात कैसे कम लगेगा टाइम ये हम दिखाते हैं कि देखिए इसमें टाइम कम कैसे लगता है किसी भी काम में, और किसी भी काम में टाइम ज़्यादा क्यों लगता है ये हम आपसे आज बात करते हैं कि इसमें टाइम कम कैसे लगेगा और ज़्यादा कैसे लगेगा। सारा जितना काम आता है सब में आप कम टाइम में काम कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम में भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आप किस टेक्निक से काम करते हैं। आप ये काम जो शुरू करेंगे आप इसमें एक चीज़ का नोटिस हमेशा करेंगे कि हम जो भी इसमें काम लेंगे हम दोबारा नहीं करेंगे, एक बार हम उसको फाइनल करेंगे। आप चाहे एक पावर लीजिए पहले करने के लिए, या आप पट्टी लीजिए, या आप जो भी पैनल बनाइए आप, लेकिन जो बनाइए एक ही बार में बनाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाइए, उसके बाद आपका टाइम नहीं लगेगा। आप मान लीजिए एक बार एक दिन फ्रेम करके रख दिए फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा काम में लग गए, फिर दूसरा दिन हम इसमें इसको सीधा करते हैं फलना चिलना ये सब ताम झाम कीजिएगा तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसमें कम टाइम में करना है तो कम टाइम में यही होगा, एक आप जो भी काम लेते हैं आप बेड भी लेते हैं, अगर आपको मतलब फ्रेम ही बनाना है तो आप पहले फ्रेम बना लीजिए और फ्रेम एक बार में फ्रेम बनाइए पूरा गुनिया में, लकड़ी क्लियर रखिए और आप उस हिसाब से बनाइए कि हमको लकड़ी गुनिया में रखना है कि हमें दोबारा टाइम ना लग सके इसमें। लेकिन बहुत सारा मिस्त्री क्या करते हैं, लकड़ी अगर मान लीजिए मेरा गुनिया है इसको हम लकड़ी को लगाते हैं तो ये सीधा नहीं रहता, इसको आप हमेशा सीधा रखिए। ये सीधा रखने से आपका फायदा ये होगा कि आपका जो चूर सटेगा दोनों तरफ से वो सटेगा, अगर आप इसको टेपर रखेगा तो एक तरफ सटेगा एक तरफ फट जाएगा, तो आड़ी ज़्यादा खींचना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप पहले गुनिया में ही लगे, जब आप सीधा करते हैं तो एक ही बार में आप गुनिया कर लेंगे कि हमें आड़ी कम से कम लग सके, इसमें वो सब चीज़ आपका टाइम बचाएंगे। आप क्या करते हैं आप लोग मतलब छीलने का जब वक्त आता है लकड़ी को आप छील देते हैं पूरा बढ़िया से, उसको गुनिया नहीं करते हैं, गुनिया नहीं करते हाँ गुनिया करेंगे टाइम लगेगा, लेकिन वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगा देता है आगे चल के, वो टाइम इसलिए ज़्यादा लगा देता है कि चूँकि आपका ये लकड़ बुनिया में मान लीजिए 1.5 इंच मेरा लकड़ है उस पर हम इधर से लकड़ी लगाएंगे, इसको हम खुजी सेट करेंगे, उसमें अगर आप बुनिया नहीं रखेंगे बुनिया नहीं करेंगे तो उसमें यही सब ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, एक तरफ सटेगा और एक तरफ फटे। ये आप बहुत सारा मिस्त्री को भी देखे होंगे अगर लकड़ी बुनिया में नहीं रखता है तो उसका ये प्रॉब्लम आता है। तो आप पहले से जो काम करना, अगर आप डायरी सीधा करते हैं अगर पट्टी सीधा करते हैं तो उसमें आप पूरा बुनिया में लेके चलना है, आपको अभी 10 मिनट टाइम लगता है तो उसको बुनिया में लेके चलिए कि हमें आने वाला कल या हम जो करेंगे उसमें हमें प्रॉब्लम थोड़ा कम आए, तब आपका काम खत्म होगा। उससे आपका ये भी फायदा होगा, एक तो आप उसमें आड़ी जो आप डालेंगे वो कम लगेगा, वो टाइम आपका बचेगा, और पैनल भी लगाएंगे आप तो उसमें आपका काम ज़्यादा ना होगा, क्योंकि देखिए आप पैनल लगाएंगे मान लीजिए किसी में हटा हुआ आप ज़्यादा आड़ी मार दीजिएगा किसी में कम मार दीजिएगा, आप उस हिसाब से आपको पैनल बनाना पड़ेगा और आपको बार बार वो पैनल जो है आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा कौन कहाँ का है।
तो ये हम बता चुके हैं। अब इसमें अगर जोड़ना है कि सैंपल में अगर हम किसी को तुरंत बता दें इसमें कितना लकड़ी लगेगा, तो एक चीज़ आप इसमें नोटिस कर लीजिए, किसी को भी बताना है कि इसमें कितना लकड़ी लगेगा तो आप एक सैंपल तरीका है जोड़ने के लिए। मान लीजिए मेरा ये 5 फीट हो गया, ये हुआ 5 फीट, यहाँ के हट हम 3 फीट ही लेके चलते हैं, नमूना आपको बता दें 3 फीट ही हम लेके चलते हैं, 3 फीट ही हम लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसको कैसे जोड़ना है 3 फीट में। तो देखिए इसमें कैसे जोड़ना है 3 फीट में, ये हम आपको दिखा देते हैं कि 3 फीट कैसे आपको जोड़ना है। मान लीजिए 3 फीट हाइट हो गया और 5 फीट चौड़ा हो गया, आपको उसमें तुरंत कर लेना है गोला 1.5 इंच मोटा में, आपका पैनल बीच में कम लगेगा लेकिन आपको जब 1.5 इंच में ही जोड़ना है, आप 1.5 इंच में जोड़ लीजिए कि 1.5 इंच मोटा हम इनको जोड़ते हैं और उसमें जो भी कम ज़्यादा होगा हम जो लकड़ी उसमें वेस्टेज होगा वो सब मैनेज हो जाएगा आपका। तो आपको 1.5 इंच में जोड़ना है, 5 फीट 3 फीट 1.5 इंच मोटा में आपको पूरा तुरंत निकाल लेना है और उनको बता देना कि इतना लगभग इसमें लगेगा, लगभग लगेगा, ये नहीं श्योर नहीं है कि हम इतना लगेगा, श्योर होइएगा। अगर आपको लेना है कहीं अगर पीस नहीं लेता है, किसी को आंकड़ा देना है तो आप दे सकते हैं, अगर श्योर है कि नहीं हमको पूरा क्लियर बताइए तो पार्ट पार्ट आप जोड़ सकते हैं लकड़ी। ये जोड़ने में कोई रीज़न नहीं है, कोई बुराई नहीं है, आप अगर चाहे तो इस हिसाब से बना सकते हैं, अगर ना चाहे तो आप किसी और हिसाब से बना। आज हम वीडियो छोड़ के जा रहे हैं, अगर पसंद आए तो लाइक मारिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक मारिए।